यूनिट फिफ्थ का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें हमें अग्र समंकों के आधार पर सामूहिक व्यविधि तथा पारिवारिक बजट विधि द्वारा जीवन निर्वाह सूचकांक की रचना करनी है. दिस इज द टेबल जिसमें हमें आर्टिकल्स, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन 2015, यूनिट्स, प्राइजेस इन 2015 एंड प्राइजेस इन 2016 आर गिवन. ये देखिए, इधर राइस है जो क्विंटल में है और यूनिट किस में गिवन है, पर क्विंटल. प्राइजेस आर दीज. वीट भी हमें क्वांटिटी कंज्यूम गिवन है 1 क्विंटल, यहाँ पे उसकी यूनिट भी पर क्विंटल है. प्राइजेस आर गिवन. ऑयल 10 kg और ये क्या हो गया, पर केजी 300-500. घी 4 kg पर केजी 5 and 10. शुगर 4 kg पर केजी 1.5. पल्सेस 2 kg पर केजी 40-90. क्लोदिंग 5 meter पर मीटर 6 and 10. हाउस रेंट 1 per flat 10 and 15. इंडेक्स नंबर के फैमिली बजट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है और यूनिट है, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें अगर डिससिमिलैरिटी है, मतलब अगर मिसमैच है, तो आप उसको पॉइंट आउट करके चेंज करेंगे. यहाँ देखिए, क्विंटल 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 क्विंटल, केजी 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 केजी, मीटर और पर फ्लैट 1. दैट मीन्स आपको यहाँ पे यूनिट्स को चेंज करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दिस इज अ सॉल्यूशन टेबल जिसमें कि हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर यूजिंग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड. फाइन, जिसके लिए हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे कॉलम हमने कॉपी किए हैं क्वेश्चन से. This is Q0, next is P0 Q0, P1 Q0, R equals to, R means relatives, that is P1 divided by P0 and RW, R means relatives, W means weight. Now, ये सब columns तो आपने किससे ले लिए हैं, question से ले लिए हैं. Next is Q0, Q0 means quantity of base year, 0 means base year, 1 means current year. तो डैट इज क्यू मीन्स क्वांटिटी हो गई, तो Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. हमारा बेस ईयर जो है वो है 2015 और करंट ईयर है हमारा 2016. तो 2015 की क्वांटिटी हमारी 4, 1, 10, 4, 4, 2, 5 and 1. नाउ P0 Q0. P मीन्स प्राइस, Q means quantity, 0 means base year और 1 means current year. तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, जहां पे भी Q0 आएगा उसको आप intimate कर लेंगे कि वो क्या है, quantity of base year, और P0 आया that means price of base year. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई किया है. P0 है आपका ये और Q0 है आपका ये, ठीक है, ये ही इधर आ गया है. तो P0 मल्टीप्लाई बाय Q0, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 200, 40 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 40, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 डैट इज 3000, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डैट इज 20, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डैट इज 4, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 डैट इज 80, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डैट इज 30, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डैट इज 10. नाउ नेक्स्ट द कैलकुलेशन ऑफ P1 Q0. P1 इज प्राइस ऑफ करंट ईयर,
वो ये है हमारा करंट ईयर, नेक्स्ट है क्यू जीरो, ये है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो अब क्या किया आपने, पी वन क्यू जीरो, पी वन है 80 मल्टीप्लाई बाय 4, डैट इज 320। नेक्स्ट 70 मल्टीप्लाई बाय 1, डैट इज 70। 500 मल्टीप्लाई बाय 10, डैट इज 5000। 10 मल्टीप्लाई बाय 4, डैट इज 40। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4, डैट इज 6। 90 मल्टीप्लाई बाय 2, डैट इज 180। 10 मल्टीप्लाई बाय 5, डैट इज 50। 15 मल्टीप्लाई बाय 1, डैट इज 15। तो इस टाइप से आपका कैलकुलेशन हो गया है पी वन क्यू जीरो का। नेक्स्ट द कैलकुलेशन ऑफ आर, आर मीन्स पी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो। पी वन है आपका ये और पी जीरो है ये। आर इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो आर में क्या किया हमने, पी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो, तो 80 डिवाइडेड बाय 50, डैट इज 160। 70 डिवाइडेड बाय 40, डैट इज 175। 500 डिवाइडेड बाय 300, डैट इज 166.67। 10 डिवाइडेड बाय 5, डैट इज 200। 1.5 डिवाइडेड बाय 1, डैट इज 150। 90 डिवाइडेड बाय 40, डैट इज 225। 10 डिवाइडेड बाय 6, डैट इज 166.67। 15 डिवाइडेड बाय 10, डैट इज 150। नेक्स्ट द कैलकुलेशन ऑफ आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू मीन्स आर तो ये है और ये जो हमारा पी जीरो क्यू जीरो है वो हमारा वेट है। तो नेक्स्ट 200 मल्टीप्लाई बाय 160 इक्वल्स टू 32000। 40 मल्टीप्लाई बाय 175 इक्वल्स टू 7000। 3000 मल्टीप्लाई बाय 166.67 इक्वल्स टू 500010। 20 मल्टीप्लाई बाय 200, डैट इज 4000। 4 मल्टीप्लाई बाय 150, डैट इज 600। 80 मल्टीप्लाई बाय 225, डैट इज 18000। 30 मल्टीप्लाई बाय 166.67, डैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 150 इक्वल्स टू 1500। लास्ट जो रो है उसमें हमने क्या किया है, इन सब का टोटल कर लिया है, सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इक्वल्स टू 3384। नेक्स्ट सिग्मा पी वन क्यू जीरो इक्वल्स टू 5681। नेक्स्ट है सिग्मा आर डब्ल्यू इक्वल्स टू 568110.10। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। इंडेक्स नंबर चैप्टर का मेरा एक फुल वीडियो है जिसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन आई बटन। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, पी जीरो वन इक्वल्स टू सिग्मा पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज जो कि टेबल में थी उसको सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई हमारी 167.88। नेक्स्ट इज फैमिली बजट मेथड, जिसका फॉर्मूला है हमारा सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, आर डब्ल्यू टेबल में से। नेक्स्ट है सिग्मा डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर आ गया 167.88। यूनिट फिफ्थ का सेकेंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग बिटवीन ₹90 एंड ₹105। निम्नलिखित आंकड़ों से ₹90 और 105 के बीच आय पाने वाले श्रमिकों की संख्या अनुमानित कीजिए। अर्निंग्स इन रुपीज इज गिवन 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 180। नंबर ऑफ वर्कर्स आर 100, 93, 80 and 60। नाउ अब ये क्वेश्चन है जिसमें कि हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, 90 से 100 के बीच वाले हमें क्या करने हैं, लेबर्स को फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने लेबर्स हैं जिनको कि 90 से 105 के बीच में रिमुनरेशन मिलता है। तो यहाँ आपको गिवन है अर्निंग्स और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो देखिए, दिस इज अवर एक्स वेरिएबल और ये हमारा वाई वेरिएबल है। हाँ, सोचेंगे कि हमने न्यूटन्स एडवांसिंग मेथड ही क्यों किया है। देखिए,
यहाँ पे इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में हर मेथड की एक अपनी अजम्पशन है कि किस मेथड को क्यों यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, क्लास ग्रुप्स गिवन है 90 से 105, दैट मींस 105 वेरिएबल जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, इसके मिड से फाइंड आउट करना है। न्यूटन्स एडवांसिंग मेथड को यूज किया जाता है। न्यूटन्स एडवांसिंग मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल वेरिएबल्स चाहिए एक्स के, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो इंडिविजुअल के लिए हमें क्या करना है, इसको लेस देन या मोर देन, और इसको हमें चेंज करना होता है सी एफ में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। इंटरपोलेशन ऑफ नंबर of workers earning between 90 and rupees 105, we shall use Newton's method of advancing differences. For this we shall first convert then into cumulative frequency and interpolate the earnings less than 105. हमें यहाँ गिवन है 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 180. हम इसको चेंज कर रहे हैं लेस देन में, ठीक है। तो अब लेस देन के लिए क्या करना होगा, आप लेस देन 30 तो नहीं कर सकते हैं, आप लेस देन के लिए हमें क्या लेनी होती है, अपर लिमिट लेनी होती है। तो यहाँ करेंगे हम लेस देन 60, लेस देन 90, लेस देन 120, लेस देन 180। ये हमारा हो गया एक एक्स वेरिएबल जिसको कि हमें क्या करना होता है, लेबलिंग करनी होती है। ये है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, इसमें हमें स्टार्टिंग करनी होगी जीरो से, डैट इज एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। नेक्स्ट इट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो सेम आ ही जाता है 100, 100 प्लस 93 तो क्या हो जाएगा 193, 193 प्लस 80 डैट इज 273, 273 प्लस 60 डैट इज 333। यहाँ पे देखिए ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और इसको हमने लेबलिंग की है y से, y वेरिएबल डैट इज y0, y1, y2, y3। ये दो कॉलम्स आपको समझ आ गए हैं। नेक्स्ट है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, दिस इज आर डिफरेंस टेबल। डेल्टा 1 मीन्स y, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनको हम लेस करते हुए जाते हैं, y1 माइनस y0, ये हो गया हमारा डेल्टा 10, डेल्टा 11, डेल्टा 12, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं हम डेल्टा 1 की। डेल्टा 1 के लिए आपको ध्यान देना है क्या करेंगे, आप y1 माइनस y0, 193 माइनस 100 तो क्या आ गया आपका 93, y1 माइनस y0, ठीक है। अब ये इधर सेंटर में आएगा इन दोनों के, क्योंकि आपने इसको इन दोनों से माइनस किया है। नेक्स्ट है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है। 273 माइनस 193, वैल्यू आ गई आपकी 80, ये भी इन दोनों के सेंटर में है। नेक्स्ट है y3 माइनस y2 दैट इज 333 माइनस 273, फाइन, ये आ गया आपका 60, ठीक है। जिसको आप लेबलिंग क्या करेंगे, डेल्टा 1 वाला कॉलम है तो ये आ जाएगा डेल्टा 10, डेल्टा 11, डेल्टा 12, जैसे इसमें 123 दिया है। नेक्स्ट है डेल्टा 2, अब ये इससे आगे एडवांस हो जाएगा, ये क्या होगा डेल्टा 111 माइनस डेल्टा 10 दैट इज 80 माइनस 93, इन दोनों के बीच में लिख देंगे, ये आ गया हमारा माइनस 13। नेक्स्ट है डेल्टा 12 माइनस डेल्टा 11 तो 60 माइनस 80 डैट इज माइनस 20, फाइन। यहाँ पे साइंस का ध्यान रखना है आपको, ऐसे ही आपको क्या करना है डेल्टा 3 तक लेना है, डेल्टा 21 माइनस डेल्टा 20, ये है माइनस 20 डेल्टा, ये 21 माइनस 13
तो अब ये क्या आ गया आपका -7। तो भी ये आप डिफरेंस निकालेंगे, इसमें आपको क्या करना है माइनस साइंस का ध्यान रखना है। इधर देखिए ये प्लस का 13 हो गया, ये है -20 प्लस 13, तो क्या आ गया आपकी वैल्यू -7। ये इसको लेबलिंग दे दी आपने -30। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वी विल अप्लाई ऑल दीज इन द फॉर्मूला। जो वैल्यूज ध्यान रखनी है वो कौन सी ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो आपकी ये जो फर्स्ट कॉलम वाली है ये यही वैल्यूज आपके फॉर्मूले में यूज आएंगी। इसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एक्स। एक्स इक्वल्स टू आइटम टू बी इंटरपोलेट माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग आइटम्स। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स एडवांसिंग, जिसमें क्या है आइटम ऑफ इंटरपोलेशन, कौन सा आइटम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था 90 और 105। क्वेश्चन में गिवन है 90, तो आपको टेबल में गिवन था, तो आपको इंटरपोलेट क्या करना है 105। तो यहाँ पे आ गया आपका 105 आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन। जो आपने ये टेबल बनाई है, इस टेबल में हमारा ओरिजिन क्या है 60 है, तो -60। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग आइटम्स, इन आइटम्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 1.5। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, इंटरपोलेशन का, इन न्यूटन्स एडवांसिंग मेथड। इस फॉर्मूले को बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। डैट इज वाई एक्स इक्वल्स टू वाई जीरो फाइन प्लस एक्स सी वन डेल्टा 10 प्लस एक्स सी टू डेल्टा 20 प्लस एक्स सी थ्री डेल्टा 30। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब ये डेल्टा 10, ये 20 30, तो ये डायरेक्ट है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको कुछ याद आ रहा है इसे देखकर, कि कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है, कॉम्बिनेशन में क्या करना है, अब इसको आप खोलेंगे तो x को कब तक करना है, वन टाइम आगे लेना है, तो यहाँ लिख दिया आपने x। नेक्स्ट ये 1 को आप 1 ही लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये आ गया आपका x को 2 टाइम्स करना है x, ये है x -1 फाइन। इस ये आ गया 2 × 1। नेक्स्ट इसको क्या करना है, x x -1 और x -2, ये 3 तक करना है ना, तो ये x 1 2, और ये 3 को 3 × 2 × 1। अब यही वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूले में लिखा है, आप देख सकते हैं यही है, इधर ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या निकली अपनी 1.5। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। y 0 की वैल्यू लिखती है, ये x हमें फाइंड आउट हुआ था, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 10 93 है, ये भी वही हो गया हमारा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 -1 मल्टीप्लाई बाय -13। वैल्यूज जो जो हमारी फॉर्मूले में थी उस सब वैल्यूज को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इधर देखिए ये। ठीक है, इन सबको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है माइनस साइंस का ध्यान रखना है सिर्फ कैलकुलेशन में, इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ आपने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारी वैल्यू आ गई इसमें 235 वर्कर्स। ठीक है, ये आई है हमारी 105 पर, बट हमें फाइंड आउट कितने पे करनी है, 90 से 105 पर। तब आप देखिए आपको ये एक वैल्यू गिवन है 90 से लेस देन, तो आपको पता है, अब क्या पता लग गया 105 से भी लेस देन आपको पता लग गई है वैल्यूज, तो आप इनके मिड वाली वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे बहुत इजीली। ठीक है, तब आपने क्या किया, लेस देन 90 क्या है हमारी 193 है। ठीक है, और 105 से लेस देन कितना आ गया
35, इसमें से लेस कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 42 वर्कर्स. 42 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको कि रुपीज 90 से 105 तक के क्या मिलते हैं, हमें रुपीज मिलते हैं. ये सॉल्व एग्जाम पेपर PDF में भी अवेलेबल है हमारे पास. यू कैन मैसेज अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप.